मारूफ एंकर पर्सन व साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान, उनका शोहर मिर्जा बिलाल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी तर्जुमान व कौमी असम्बली के उम्मीदवार कोहदा बाबर दिगवादर पोस्ट के हेड ऑफिस के दौरे पर पहुँचे। सैयद मंजूर शाह ने भी सैयद मुहिम जान और मलिक शाह गोरगिज की हिमायत कर दी। सैयद मंजूर शाह की हिमायत मिलने पर मुहिम जान की जान में जान आ गई। मीर हम्मल कलमती मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए। और ग्वादर से कराची जाने वाला ट्रॉलर बुज्जी टॉप के मकाम पर उलट गया। हादसे में एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया। हमारे साथ तआवुन किया है दान पब्लिक स्कूल ग्वादर, अ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप्स। कॉन्टेक्ट 0333-4393-61। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नज़र आज की हाइलाइट्स पर। मारूफ एंकर पर्सन व साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान, उनका शोहर मिर्जा बिलाल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी तर्जुमान व कौमी असम्बली के उम्मीदवार कोहदा बाबर दिग्वादर पोस्ट के हेड ऑफिस के दौरे पर पहुंचे। CEO दिग्वादर पोस्ट साजिद बिन रहीम, डायरेक्टर न्यूज जमील कासिम और एंकर पर्सन याकूब बुश ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दिग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो का मुआयना किया। हेड ऑफिस में रेहम खान ने CEO साजिद बिन रहीम, जमील कासिम व याकूब पुश से मुलाकात की। मुलाकात में डिजिटल मीडिया व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मारूफ एंकर पर्सन व साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की साबिक अहलिया रेहम खान ने दिग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दिग्वादर पोस्ट के हेड ऑफिस का दौरा करके जो सेट देखा बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तान व बलूचिस्तान के इस हिस्से में एक डिजिटल मीडिया वाइब्रेट कंटेंट का होना जरूरी था कि ग्वादर में क्या हो रहा है, इस कमी को दिग्वादर पोस्ट ने पूरा कर दिया। रेहम खान का कहना था कि दिग्वादर पोस्ट सहाफती रूल्स पर कायम और दायम है और दुआगो है कि वो हमेशा कायम रहेंगे, क्योंकि मीडिया में गुज़िश्ता कुछ सालों से जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से इंसान को बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। रेहम खान का कहना था कि इलेक्शन के वक्त दिग्वादर पोस्ट से तवक्को करूंगी कि वो बलोच व बलूचिस्तान की हक में सही रिपोर्टिंग करेंगे। इस पर दिग्वादर पोस्ट की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की साबिक बीवी व मारूफ सहाफी एंकर पर्सन रेहम खान की दिग्वादर पोस्ट से खुसूसी गुफ्तगू। मारूफ एंकर पर्सन व साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साबिक अहलिया रेहम खान और रेहम खान के शोहर मिर्जा बिलाल के हमरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक रुकन को सूबाई असम्बली मीर हम्मल कलमती के वालिद मोहतरम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर कोहदा बाबर बलोच के ससुर साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर कलमती की वफात पर उनके खानदान से इजहार ताज़ियत के सिलसिले में ग्वादर मीर हाउस पहुँच गए। इस मौके पर रेहम खान ने साबिक सूबाई वजीर मरहूम मीर अब्दुल गफूर कलमती के लवाहिकीन और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत की और मीर कलमती के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की। फातिहा खानी में मीर अरशद कलमती, इंजीनियर मुनीर अहमद, मीर राशिद कलमती, जाहिद मुरीद, मीर माजिद कलमती, हाजी कदीर, हाजी कादिर जान भी मौजूद रहे। 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। इलेक्शन के सिलसिले में ओरमाड़ा में नेशनल पार्टी ने इलेक्शन सेल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इलेक्शन सेल का इफ्तिताह मीर मोहम्मद बख्श ने फीता काट कर कर दिया। पसनी के सियासी हरारत का पारा मजीद उड़ान की जानिब गामजन। मंजूर शाह मलिक शाह के कैंप में चले गए। साबिक निगरान सूबाई वजीर और जिक्री मजहबी पेशवा सैयद मंजूर शाह ने भी सैयद मुहिम जान और मलिक शाह गोरगिज की हिमायत कर दी। सैयद मंजूर शाह की हिमायत मिलने पर मुहिम जान की जान में जान आ गई, जबकि दूसरी जानिब BNP के उम्मीदवार मीर हम्मल कलमती मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए।
जमीयत उलमा इस्लाम ग्वादर की ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन ग्वादर में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन के मेहमान खास JUI के NA 259 के उम्मीदवार मौलाना खालिद वलीद सैफी रहे। कन्वेंशन से मौलाना खालिद वलीद सैफी, PB 24 ग्वादर के उम्मीदवार मौलाना अमजद अली गंजवी, जलाल मियां मोहम्मद खैर फारूकी ने खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नेमतुल्ला हुद की सरबराही में घट्टी डोर में शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इरफान गोरगिच ने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। SSP ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड ज़ुहैब मोहसिन की हिदायत पर सदर ग्वादर पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ डंडा उठा लिया। ग्वादर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पिशोकान के रिहायशी मुलजिम गजीक वल्द अब्दुल रहीम और कम्बर शहदाद कोट हाल पिशोकान के रिहायशी मुलजिम अली अकबर वल्द अली शेर को हवाई फायरिंग करके खौफो हरास फैलाने और गालम गलोच करने के इल्जाम में धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद 9mm पिस्टल, बीमा मैगजीन, 13 राउंड बीमा खाली, 3 खाली खोल बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। और ग्वादर से कराची जाने वाला ट्रॉलर बुज्जी टॉप के मकाम पर उलट गया। हादसे में एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रॉलर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से एक शख्स मौके पर जान बहक हो गया। जान बहक शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।